सेशन रिलीज, ये क्या होता है? बाजवा क्या होता है? फैमिलीज में ना बहुत जल्दी जल्दी डेथ हो रही होती है। एक शख्स की डेथ हुई, उसने उसमें से कुछ ट्रांसफर किया, मतलब बाप की डेथ हुई, उसने बाप ने बेटे को ट्रांसफर किया, बेटे की भी डेथ हो गई कुछ टाइम के। इसी तरह हस्बैंड की डेथ हुई और विद इन फ्यू टाइम पीरियड वाइफ की भी डेथ हो गई। तो जब हस्बैंड ने कुछ ट्रांसफर किया होगा तो वाइफ को देकर गया होगा ना, अब वाइफ की भी डेथ हो गई। तो क्विक सक्सेशन रिलीफ कब अप्लाई होता है? वेयर एन इंडिविजुअल डाइज, एनी इंडिविजुअल ना, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की कंडीशन नहीं है, वेयर एन इंडिविजुअल डाइज एंड विद इन द प्रीवियस 5 ईयर्स। जैसे आज 2021 में किसी शख्स की डेथ हुई, पिछले 5 साल में उस शख्स को जिसकी डेथ हुई उसको किसी और ने कोई आइटम या एसेट इनहेरिट किया था अपनी डेथ के ऊपर, पहली चीज, और उसके ऊपर IHT भी चार्ज हुआ था इनहेरिटेंस के ऊपर पिछले 5 साल। याद रहे कि जो कॉन्सेप्ट है क्विक सक्सेशन रिलीफ का, ये 5 साल का कॉन्सेप्ट है, 5 ईयर्स का कॉन्सेप्ट है। एक तो ये कंडीशन कि आज किसी की डेथ हुई और उसे पिछले साल किसी और की डेथ के ऊपर कोई एसेट मिला था, दैट वाज सब्जेक्ट टू IHT, या आज किसी की डेथ हुई और उसे प्रीवियसली एक लाइफ टाइम गिफ्ट मिला था और उस लाइफ टाइम गिफ्ट के ऊपर IHT चार्ज हुआ था। ये तो बहुत कॉमन सी बात है ना, ये तो होता है फैमिलीज में, विद इन 5 ईयर्स तो किसी ना किसी को तो नॉर्मली हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो फिर क्विक सक्सेशन रिलीफ मिल सकता है। ये तो कंडीशन हो गई। अब क्विक सक्सेशन रिलीफ जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये कैसे मिलेगा? इट्स अ टैक्स क्रेडिट। जब भी टैक्स क्रेडिट का वर्ड इस्तेमाल होता है तो हमारे जहन में चीज क्लिक होनी चाहिए कि ये फाइनल लायबिलिटी में से माइनस हो रेट लगाने के बाद, सही है? तो किसके किसकी फाइनल लायबिलिटी में से? उस इंडिविजुअल की जिसने वो एसेट या तो इनहेरिट करके रिसीव किया था या लाइफ टाइम रिसीव किया था। फॉर्मूला क्या लगेगा? QSR इज इक्वल टू IHT ऑन फर्स्ट डेथ। फर्स्ट डेथ पर आपने कितना IHT पे किया, ठीक है, और अप्रोप्रिएट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये अप्रोप्रिएट परसेंटेज एग्जाम में गिवन नहीं होगी, जैसे टेपर रिलीफ गिवन होता है ना, टेपर रिलीफ तो गिवन होता है, ये अप्रोप्रिएट परसेंटेज एग्जाम में गिवन नहीं होगी। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट, हमें कैसे पता लगेगा कि अप्रोप्रिएट परसेंटेज क्या होगी? ये चार्ट याद करना पड़ेगा। अगर किसी शख्स की डेथ विद इन 1 ईयर हो तो अप्रोप्रिएट परसेंटेज बनती है 100। अच्छा, टेपर रिलीफ में ना लोअर से चलते हैं ऊपर की तरफ, 20, 40, 60, 80, या ऊपर से जाते हैं नीचे, इसका मतलब है जितनी जल्दी मरेगा ग्रेटर इज द परसेंटेज। तो 0 to 1 में 100% टैक्स क्रेडिट, 1 to 2 में 80, 2 to 3 में 60, और 4 to 5 के अंदर टैक्स क्रेडिट इज मिनिमम 20%। अच्छा, अब जो दूसरी चीज थी IHT ऑन फर्स्ट डेथ, ये कहां से आया? ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन होता है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ होगा तो IHT ऑन फर्स्ट डेथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसकी कैलकुलेशन का तरीका है IHT ऑन फर्स्ट डेथ या फर्स्ट गिफ्ट या जो भी है। अच्छा, क्योंकि ये टॉपिक जो ना वो थोड़ा सा मिक्स पक हो गया ना, खिचड़ी पक गई है कि पहले ये निकालो और वो निकालो, तो ऐसे वो तमाम टॉपिक्स जिसके अंदर ये सारे मसले होते हैं तो वो एग्जामिनेबल ज्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि हमारे लिए लिस्ट में ये प्रायोरिटी पे आ गया कि क्विक सक्सेशन रिलीफ एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसको केयरफुली करते हैं। तो IHT पेड ऑन द फर्स्ट गिफ्ट कैसे निकालेंगे? टोटल IHT पेड ऑन फर्स्ट डेथ स्टेट, पहले ये देखेंगे कि जो पुराना बंदा मरा था
सही है, उसकी टोटल आईएचटी पेड ऑन फर्स्ट डेथ स्टेट कितना था, डिवाइडेड बाय ग्रॉस चार्जेबल स्टेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेथ। भाई जो टैक्स लगा होगा वो तो जीसीई माइनस एनआरबी टैक्सेबल अमाउंट इनटू 40% या वॉट एवर, फिर आईएचटी आता है ना, तो आईएचटी न्यूमरेटर में, ग्रॉस चार्जेबल स्टेट डिनोमिनेटर में, किसकी, सेकेंड वाले की या फर्स्ट वाले की, फर्स्ट वाले की, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू ऑफ एसेट गिफ्टेड आउट ऑफ द फर्स्ट स्टेट, जो इंडिविजुअल ने एसेट रिसीव किया था उसकी वर्थ कितनी थी, ठीक है। तो फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूं, क्यूएसआर जो हमें रिलीफ मिलता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एक पर्सन की डेथ हो और प्रीवियस 5 साल में उसने कुछ रिसीव किया हो, ठीक है। QSR कैसे निकालेंगे, IHT on first death which might be given which we have to calculate multiply by percentage, ये percentage निकालने का तरीका, ये IHT on first gift निकालने का तरीका। अब इसमें एक बात ध्यान में रखी जाए, बाज दफा सवाल में दो दो टैक्स क्रेडिट होते, तो जो सीक्वेंस है वो ये है कि पहले आप QSR माइनस करेंगे, उसके बाद फिर आप DTR माइनस करेंगे, पहले DTR माइनस नहीं कर सकते, पहले QSR और उसके बाद फिर DTR माइनस करेंगे। देखिए जी, A की डेथ होती है 31 जुलाई 2020, ये हमारा कंसर्न बंदा है, उसकी डेथ स्टेट में 3,40,000 पड़े थे, इसने जिंदगी में कोई गिफ्ट नहीं किया, इसका मतलब है इसके पास एनआरबी पूरा का पूरा अवेलेबल है 3,25,000 का, जो कि इसमें से एडजस्ट हो जाएगा 3,25,000 का की वैल्यूएशन। अच्छा, अब इसके इसने कुछ रिसीव किया है प्रीवियसली, कहां से, June 2016, पहले तो हम ये डिटरमाइन करते हैं June 2016 और 31 जुलाई 2020 ईयर्स काउंट करें, 4 years 1 month, तो 4 to 5 के दरमियान आ रहा है, 4 to 5 के दरमियान आने का मतलब है मिनिमम परसेंटेज, सही। इसको इसके भाई ने 28,000 वर्थ की कोई चीज डेट एसेट में से ट्रांसफर की, IHT उसकी टोटल डेथ स्टेट में पे किया गया था 75,000, टोटल चार्जेबल अमाउंट था 4,50,000। IHT पेबल हमें कैलकुलेट करना है A की डेथ के ऊपर, क्या A को QSR मिलेगा, तो A की जो डेथ हुई है उसके पिछले 5 साल में A ने एक इनहेरिटेड अमाउंट लिया था एंड दैट वाज सब्जेक्ट टू IHT, तो इसका मतलब है इस सवाल में A की जो नॉर्मल डेथ की कैलकुलेशन हो रही है उस पे QSR शामिल है। ये डिटरमाइन करने के बाद फिर हम QSR वाला रूल अप्लाई करेंगे कि हमें जो फॉर्मूला हमें मिला था QSR वाला, जो फॉर्मूला हमने यूज करना है, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला ये था कि IHT on first death multiply by appropriate percentage और फिर IHT on first death कैलकुलेट करना, ठीक है। तो पहले तो हम जरा A का कैलकुलेशन करते हैं, उसका प्रोफॉर्मा बनाते हैं, तो ए की जो डेथ स्टेट है इसका ग्रॉस चार्जेबल स्टेट वैल्यू हमें गिवन है 3,40,000। सो देखें जी, उसके पास जो डेथ स्टेट है वो 3,40,000 की, ठीक है। अब इसमें से हमें एनआरबी माइनस करनी, तो एनआरबी के लिए लुक बैक 7 ईयर्स देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो कोई गिफ्ट था ही नहीं, तो हमने स्ट्रेट 3,25,000 जो कि 2021 का एनआरबी है वो माइनस कर दी। तो अब यहां पर टैक्सेबल अमाउंट आ गया 15,000। रेट डेथ का 40% होता है, गिवन भी है टैक्स शीट के अंदर, लेकिन एक सिचुएशन आने वाली है आगे जहां सम टाइम्स वो जो रेट होगा वो रिड्यूस होकर 36 पे चला जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड रेट 40% है। तो आईएसटी हमने एट द रेट ऑफ 40% यहाँ पे चार्ज किया, 15,000 का 40% बनता है 6,000, ठीक है। अब क्योंकि हम ऊपर डिस्टेब्लिश कर चुके थे कि हमें QSR तो मिलना ही मिलना है, अब इसकी वर्किंग करते हैं QSR की। ये वर्किंग नोट दे दिया हमने और नीचे हम QSR की वर्किंग, QSR के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल होता है वो होता है IHT
ऑन फर्स्ट गिफ्ट मल्टीप्लाई बाय अप्रोप्रिएट परसेंटेज. तो 4 to 5 था ना, 4 to 5 की परसेंटेज क्या होती है 20%. अब आईएसटी जो फर्स्ट के ऊपर लगना था वो हमें नहीं पता, उसकी हम वर्किंग करेंगे. उसके लिए फॉर्मूला था आईएचटी ऑन डेथ स्टेट टोटल डिवाइडेड बाय ग्रॉस चार्जेबल स्टेट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ एसेट गिफ्टेड, गिफ्टेड या इनहेरिटेड जो भी है. तो उसने हमें सवाल में बताया कि जो आईएचटी उसने पे किया था पिछले वाले ने, वो पे किया था 75,000 आउट ऑफ 4,50,000. और जो वैल्यू उसको मिली थी वो थी 28,000. जो एसेट उसको ट्रांसफर किया गया था दैट वाज 28,000. इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसको फिर हम अप्रोप्रिएट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. अच्छा जी, ये 4667 हमारे पास पहले जो गिफ्ट था उसका आईएसटी आ गया 4667. 4667 आईएसटी ऑन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 20% रेट. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स 933. तो दिस 933 इज QSR, क्विक सक्सेशन रिलीफ. इसे हमने टैक्स क्रेडिट के तौर पर यहाँ से डिडक्ट कर दिया. फाइनल आईएसटी पेबल जो इसे देना है वो बन जाएगा 5067. तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट है बड़ा इम्पॉर्टेंट कि QSR क्या होता है. टैक्स क्रेडिट का जो अमाउंट निकालना है, अप्रोप्रिएट परसेंटेज निकालनी है, पहले वाले जो गिफ्ट था उसके ऊपर अगर आईएसटी नहीं दिया हुआ तो वो कैसे निकालना है. शॉर्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, मैंने कहा था कि आईएचटी का जो डेथ रेट होता है वो कितना होता है, इट इज 40% फिक्स. लेकिन देयर इज अ सिचुएशन वेयर दैट रेट माइट बिकम 36%. वो सिचुएशन